आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, जहाँ पर आज 3 दिसंबर 2023 संडे को ब्लॉग शो लगा हुआ है। आज का ये ब्लॉग बहुत ही ऑसम और ब्रेकिंग टेल्स वाला होने वाला है, तो बिना किसी देरी के चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं डॉग शो इन लुधियाना, लेट्स बिगिन द ब्लॉग। आज 3 दिसंबर 2023 हम पहुंच चुके हैं लुधियाना के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चल रहे डॉग शो में, जहां हमारे 4-legged फ्रेंड्स अपने टैलेंट और ब्यूटी को दिखाने के लिए तैयार है। वैसे तो इस इवेंट का नाम डॉग शो था, पर यहां हमें डॉग्स के साथ साथ बर्ड्स, कैट्स और इनके साथ ही और भी कई एनिमल स्पीशीज देखने को मिली। डॉग शो पेट लवर्स और डॉग ओनर्स के लिए एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, जहां अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर हम देखेंगे कुछ यूनिक ब्रीड्स जैसे कि लेब्राडोर रिट्रीवर्स, जर्मन शेपर्ड्स, पूडल्स, चाओ चाओ और भी कई सारे इंटरेस्टिंग ब्रीड्स। डॉग शो में आपको डॉग्स के ब्रीड्स और उनकी ट्रेनिंग भी देखने को मिलेगी, और ये डॉग्स अपने अलग अलग स्किल्स और क्वालिटीज से सबका दिल जीत लेते हैं। मेगा फॉर्म के स्टॉल पर, और मेरे पास इस कंपनी के जो हेड हैं वो हैं सर, अपना नाम बता दीजिए। पीसी कांडपाल। पीसी कांडपाल सर हमारे साथ हैं। पिछले जो डॉग शो जो पिछले साल लगा था दिसंबर में, उस पे भी ये आए थे और इस बार फिर उन्होंने अपना स्टॉल यहाँ पर लगाया है। तो सर वेलकम टू माय ब्लॉग। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको आज? नहीं, यहाँ काफ़ी लोगों ने विजिट किया है स्टॉल्स में, काफ़ी डॉक्टर्स भी आए हैं, काफ़ी ओनर्स भी आए हैं। तो हमारे कुछ एक प्रोडक्ट जैसे डिफरेंट है, जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है लोरिया, हमने इसमें एक्चुअल में आप देखिए केओलिन एंड पैक्टिन दिया हुआ कॉम्पोजिशन और प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स, ये बेसिकली ये गट हेल्थ के लिए है, स्टमक वगैरह के लिए, डायरिया वगैरह जो डॉक्टर करवाता है। इकोनॉमिकल प्राइस 116 रुपीज़। और डॉग में प्रॉब्लम आती है कई बार, डॉग में कोई चीज़ें तो कहीं से खाता नहीं है जी, इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर में कर रहा था, उससे पाए उसमें लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डॉग इसको बचाएंगे। बाकी हमारे इसके प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं लिवर वगैरह के भी। ये किस पर्पज़ के लिए है? ये लीवर के लिए, अगर आप देखा जाए ना लोग क्या करते हैं, मिनरल मिक्सचर देते हैं, कैल्शियम देते हैं, वो देते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो मत दो, पर लीवर की तरफ ध्यान जनरली जाता नहीं है, हम लोगों का भी नहीं जाता अपनी तरफ। हमने जो बैनर लगाया वो आप देखिए, जो ग्रोथ है, वीकनेसेस है, चीजेस है, वॉमिटिंग है, लीवर एनमोल्स की जी, कई बार प्रॉब्लम्स होती है लीवर की, आदमी दे कुछ और रहा होता है जी, तो एटलीस्ट हम ये रिकमेंड करते हैं कि 15 डेज तक आप कम से कम लीवर को दे ही दें एनिमल फीडिंग करके, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स वगैरह जो फीड वगैरह ले रहा उनमें भी टॉक्सिन्स वगैरह चले जाते हैं, तो उसको ये पूरी तरह बाहर कर देगा और डॉग की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, फीड बहुत अच्छी रहेगी। तो सर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली फोकस करते हैं एक डॉग की स्टमक हेल्थ पर, उसकी गट हेल्थ पर, लिवर पर, क्योंकि अक्सर लोग और सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, टिक्स पर ध्यान देते हैं, ग्रूमिंग पर ध्यान देते हैं, लेकिन लिवर पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते, जो कि डॉग में और ह्यूमंस में दोनों में बहुत ज़रूरी है। तो सर बहुत अच्छा लगा हमें आपका वेंचर देखकर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।
डॉग शो में कई सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि बेस्ट इन ब्रीड, ओबीडियंस, एजिलिटी और बहुत कुछ। ये कॉम्पिटिशन्स डॉग्स की इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटीज को टेस्ट करते हैं। डॉग शोज एंटरटेनिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, जो लोगों को डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स के बारे में जानकारी देते हैं और डॉग लवर्स, ओनर्स और ब्रीडर्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपने पैशन को शोकेस करने के लिए। डॉग शो में पार्टिसिपेंट्स अपने डॉग्स को ग्रूम करते हैं, उनको सजाते सवारते हैं और उनके बेस्ट फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। गुड़िया, आपका डॉग ये नहीं? ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੋਂ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ? ਜੋਧਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੌਗ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਗਸ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ, ਡੋਗਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਰੀਡਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੋਗ ਸ਼ੋ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਰੀਡਸ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬਰੀਡਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਹਰ ਬਰੀਡ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਬਰੇਡੋਰ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਰਿਟਰੀਵਰ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਡੋਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਔਰ ਲੈਬਰੇਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਗਾਰਡ ਡੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਨੀਫਰਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੋਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਰੀਡਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਗਸ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਡੋਗ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ। ਇਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਮੋਹਿਤ ਭੰਡਾਰੀ ਵਲੌਗ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਵਲੌਗ।